इस शरीर जो चार है उसको क्या करते हैं, ऊष्मा व्यंजन बोलते हैं। अभी कितने हुए, बाहर से व्यंजन के तीन भेद ये है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मा व्यंजन। व्यंजन 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 है बाद में। अभी यहाँ से क्या है, उच्चारण स्थान। आप कौन से बाहर से कौन सा कैसे शब्द का उच्चारण करते, वर्ण का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण के लिए उनका नाम ले लिया गया है। पहला स्थान है कंठ, कंठ यहाँ से आवाज होता है उसको कंठ करते हैं, उसके लिए ओ आ को खो गो च न्य, उसका कंठ से आवाज आता है, कंठ उच्चारण है, उसको कंठ के लिए नाम दिया है। दूसरा जो बंधन है ताल, ताल जिसके ऊपर का जो भाग रहता है उसको ताल बनते हैं। पी पी च छ ज य श, इसको क्या कहते हैं, ताल बनते हैं, तालों का उपयोग होता है। दूसरा है मूला, उसके ऊपर से कितने का उपयोग होता है उसको बोलते हैं रु त ठ द, उसके सभी को पहले ध न र क्ष, उनको क्या कहते हैं, मूढ़न उपयोग करते हैं। मूढ़ा उसके बोलों का, तालों का, कंठ का, मुखों का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं मूढ़ा। तन 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 पे दांतों का उपयोग होता है, उच्चारण करते समय दांतों का उपयोग होता है। त ठ द ध न ल एंड स, दंत जब होते हैं दांतों का उपयोग होता है। ओष्ठ ओष्ठ न ओठ का उपयोग से उ प ख ब भ म, उसको क्या कहते हैं, ओष्ठ का उपयोग होता है। ओठ का जो उपयोग होता है ओष्ठ को लिया जाता है। कंठ ताल वाले कंठ और ताल दोनों को ए आई, उसको क्या कहते हैं, कंठ ताल। कंठ ओष्ठ दोनों का से ओ औ कंठ का यूज करते हैं। कंठ ओष्ठ व उच्चारण व तर विभव का उपयोग होता है। नासिका य य न आणि ये जो लास्ट एक्शन क्यों है उसको क्या कहते हैं, नासिका। नासिका में मुंह की दवा देते हैं उसको क्या कहते हैं, नासिका। अभी संयुक्त व्यंजन श त्र न श, संयुक्त शब्द क्या कहते हैं, दो शब्द दो वर्ण इकट्ठा होकर जो तैयार होते हैं उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आज हमने क्या देखा, उच्चारण व्याख्या देखी, किस उच्चारण का समय कहा स्वरों की संयता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन कहते हैं। एक संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 व्यंजनों की संख्या है। वहां से पर्यावर्ग स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उच्चारण स्थान से प्रकार लिखे गए हैं इस वर्ण में। अभी हमें इस भाग में देखा, अभी इसके आगे क्या है, हाँ और एक है इसके ये जो नीचे ये जो हलन होती है उसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। हलंत शब्द का अर्थ क्या है, हलंत। इस हलंत का अर्थ इसमें स्वरों की जोड़ से ही जोड़ पड़ती है, क जो है इस व्यंजन को अ मिल गया तो क्या होता है, क तैयार होती है, इसके नीचे अ हलंत होते हैं। अक्षर के नीचे जो नई लेटर होती है इसको क्या कहने वाले, हलंत। और ये व्यंजन कैसे तैयार होता है, स्वरों की सहायता से। व्यंजन तैयार होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। हम आपने क्या करेंगे नेक्स्ट भाग में, आपने जो स्वर देखे है इस स्वर से जो मात्रा है बनती है उसके हम देखेंगे स्वर मात्रा है। अभी क्या देखने वाले, अभी हमने व्यंजन देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम मात्राएं देखेंगे और संयुक्त शब्द कैसे तैयार होंगे